छतरपुर जिले के दूसरे सबसे बड़े शहर नौगांव में एक निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के बीचों बीच निकला बड़ा नाला, जो रहवासी घरों से गंदा पानी निकास की ऋण माना जाता है, इस 665 मीटर लंबे नाले के निर्माण कार्य के लिए SDRF योजना के तहत शुभ कंस्ट्रक्शन को लगभग 2 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य सौंपा गया था। पिछले 3 महीने से यह निर्माण कार्य चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 महीने से नाले का लगभग 50% कार्य पूर्ण होने को है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य और उपयोग में लाए जा रहे मटेरियल की गुणवत्ता का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। आरोप लग रहे हैं कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल जारी है। नाले के निर्माण में न तो कॉन्क्रीट का बेस डाला जा रहा है और न ही बालू, सीमेंट और सरिया की मात्रा का ख्याल रखा जा रहा है। कुल मिलाकर इस निर्माण कार्य के बाद कल के दिन किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बन रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किए बिना अभी तक लगभग 70 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। स्थानीय लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं। उधर CMO नीतू सिंह कहती हैं कि जल्द ही मामले की जाँच कराई जाएगी। नौगांव में SDRF मद के अंतर्गत नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसमें शुभम कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर दिया गया था। ये लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें जो कंक्रीट है और जो मटेरियल है, घटिया क्वालिटी की किस्म का मटेरियल उपयोग में ला रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? आपके द्वारा प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसको मैं कार्रवाई करूँगी। मुझे आए हुए यहाँ लगभग 3 माह का समय होने वाला है, जब से काम चल रहा है।